मंच पर आसीन यह क्षेत्र केशव मंडल का कहलाता है। तो भारतीय जनता पार्टी केशव मंडल के माननीय अध्यक्ष श्याम जी, सुभाष मंडल के माननीय अध्यक्ष राजवीर जी, मंच आसीन तहसीलदार साहब, अलौकिक उपाध्याय, इस क्षेत्र से बहुत यशस्वी पार्षद राजेश प्रजापति, हमारी पूर्व पार्षद इस क्षेत्र से प्रेमा जी, सभी उपस्थित मातृशक्ति और कार्यकर्ता बंधु, मैं सबसे पहले नव वर्ष की, जो अंग्रेजी का नव वर्ष शुरू हुआ है, इसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लाए, ऐश्वर्यशाली बनाए, वैभवशाली बनाए और सुख शांति आपके जीवन को दे। आज यहां पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरे नेता मोदी है और मेरे नेता योगी है। जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की तकलीफ को समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, आप सब उस अंतिम छोर पर बैठी महिलाएं हैं जो इस वातावरण से प्रभावित होती है ठंड में, तो इनका ख्याल आखिर कौन करेगा? हमारी सरकार, हमारे नेता योगी जी, मोदी जी, उन्होंने आपकी चिंता की और सिर्फ यही चिंता नहीं की। आपको मालूम होगा कि जब मैं 2012 में चुनाव लड़ा था तो हर घर पर के गली कूचे बस्ती में जाकर मैंने वोट मांगे थे, तब एक सबसे बड़ी समस्या जो आगरा में आई थी पानी की समस्या थी। खासतौर से महिलाएं पानी के लिए बड़े परेशान होती है, क्योंकि पुरुष तो निकल जाता है अपने सुबह काम पर, हम भी अपने निकल लिए, अगर घर पर नल नहीं आया तो हमारी श्रीमती जी चिंता करती है कि पानी कहां से आए। तो आप सब लोग चिंता करते थे और मैंने देखा कि एक एक किलोमीटर, आधा आधा किलोमीटर दूर जाकर महिलाएं पानी भरने जाती थी और घर पे लाती थी। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। यमुना में पानी नहीं था इतना कि पूरे आगरे को मिल सके। तो शुरुआत में तो मैंने समरसेबल पंप लगवाए, हैंडपंप लगवाए, लेकिन आगरा को मुसलसल पानी मिले, अच्छा पानी मिले, तो 150 किलोमीटर दूर से गंगा मैया आगरा में आई है। आप लोगों के घर अब गंगा जल आ रहा है। अब पानी की समस्या आगरा में खत्म हो गई, यदि कहीं है तो वो लोकल किसी वजह से होगी, कहीं पर पाइपलाइन खराब हो गई होगी, कहीं पर वाशर खराब हो गया होगा, वरना अब इतना पानी है जल संस्थान के पास कि हर घर में पानी पहुंच सकता है, पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है और चल रहा है पानी। तो ये आप सबकी चिंता की हमारी सरकार ने, मुझे आपने विधायक बनाया, मैंने आपकी चिंता की। उसके बाद मेरे नेता ने आप सब जिनके यहां गैस के चूल्हे नहीं थे, कैसे फूक फूक कर वो फूकनी आती थी, उसको कंडे में लकड़ी में फूकते थे और फिर चूल्हा जलता था, उस चूल्हे की धुएं को आंखों में झेलते थे, सांस में लेते थे। कितनी माताएं 100 सिगरेट जितनी पीता है एक आदमी, उतना धुआं एक दिन में अंदर लेती थी। फेफड़े खराब होते थे, खाना बनाने में दिक्कतें आती थी, आंखें खराब होती थी। किसने चिंता किया? मेरे नेता मोदी ने। और गरीबों के यहां घर घर मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हे दिए गए, जिससे आपकी आंखें खराब ना हो, फेफड़े खराब ना हो। तो मेरी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जिसको आप सुनते हैं,
और मेरे नेता मोदी और योगी है, इन लोगों ने आपकी चिंता की, आपको घर घर शौचालय दिए। नहीं तो पहले शहर में तो इतनी समस्या नहीं होती है, गांव में होती है। महिलाओं को या तो सुबह पौ फटने से पहले और या रात होने के सूर्य डूबने के बाद शौच के लिए जाना पड़ता था, कितनी कठिनाई झेलते होंगे, इसकी चिंता किसने की? मोदी जी ने की। शौचालय दिए, स्वच्छता दी, आपको सुविधा दी। ऐसे अब ठंड है, ठंड में ठंड को दूर करने के साधन होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, महिलाओं को कंबल बटे, उनको उसकी सर्दी मिटे, इसके लिए पूरे प्रदेश में दलित समाज, गरीब समाज को कंबलों का वितरण हो रहा है, जिसके तहत इस समय भी हमारे क्षेत्र में हो रहा है। आप सबकी चिंता करने वाली सरकार है हमारी सरकार, आप सबकी चिंता करने वाले हमारे नेता हैं, और आपकी सबकी चिंता करने वाले वाले ये सब कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं। इसलिए इन सबका, जिन्होंने आप सबको इकट्ठा किया, धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। मैं जो आप लोगों ने 3 बार विधायक बनाया, पहले मैं जब मंत्री नहीं बना था तो रोज किसी ना किसी गली कूचे मोहल्ले में जाता था, आप लोगों के दर्शन कर लेता था। अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कम आता हूँ, लेकिन मेरे बेटे दोनों, हमारी श्रीमती जी, ये आप लोगों के पास जाते हैं, जिनकी समस्या होती है घर में वो दूर करते हैं। मैं हफ्ते में 2 दिन रहता हूँ आगरा, दूर करने की कोशिश करता हूँ। वो एक है ना, एक के साथ एक मुफ्त, अब 4 मुफ्त विधायक मिले, कह रहे हैं बताएंगे अध्यक्ष जी कि हम तो विधायक तो आपने हमको चुना, लेकिन 2 बेटे और 2 बहू है, एक हमारी पत्नी है, इनकी पत्नी मुफ्त में विधायक मिल रही है आपको, काम करने वाली, सेवा करने वाली, तनखा 1 को मिल रही है, काम 5 लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कोई समस्या यहाँ पर भी नहीं आएगी, और लखनऊ तक की समस्याओं को दूर किया जाएगा। आप लोगों को नए साल में दर्शन हुए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आपको जो कंबल वितरण है उसमें सहयोग करूंगा। धन्यवाद।